कितनी जुलम जाती है सरकार करने वाली है। हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं और जब तक भाई चंद्रशेखर आजाद हमारे बीच में नहीं आ जाते हिलने वाले में बिल्कुल बिल्कुल कितनी फांसी देने वाली धरना शुरू हो चुका है सफाई कर्मचारियों का। पूरे देश में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर जाने वाले हैं। दिल्ली में शुरू हो चुका, मुरादाबाद और बदायूं में शुरू हो चुका, हरियाणा और राजस्थान और पंजाब से सूचना आ रही है। पूरे देश का सफाई कर्मचारी बहुजन समाज का एक एक आदमी हड़ताल पर होगा। जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है। भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहनों के सम्मान में बीमार भी मैदान में चंद्रशेखर भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बहन विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैं बता दूं, जो हमारे साथ रात अध्यक्ष जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ जो साथी थे, जो चौकी पे उनको रखा गया था, वो सारे साथी हमारे बीच में हैं और हम उनके संघर्ष को सलाम करते हैं। और जो अभी हमारी सीओ साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा कि तब तक हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। अभी तो टप्पल थाने पे है, देश के और प्रदेश के हर थाने पे धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमें जानकारी रहनी चाहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहाँ हैं। यदि उनको गिरफ्तार किया जाए तो उसकी जानकारी होनी चाहिए। यदि आप उनको कहाँ लेके गए और क्यों लेके गए हो तो उसमें सारी, जब तक हमें कोई सक्षम अधिकारी आगे सूचना नहीं देगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। सफाई कर्मचारी जो भी हमारे साथी हैं, ये बहन जो दलित की या वाल्मीकि की बेटी नहीं है, ये पूरे भारत की बेटी है, ये बहुजनों की बेटी है। ये जितना मीडिया है, चाहे मोदी मीडिया हो चाहे गोदी मीडिया हो, ये कंगना रावत और मुंबई की खबरें दिखाता है। यदि 14 दिन 15 दिन पहले खबर दिखाते तो आज बहन हमारे बीच जिंदा होती। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अलीगढ़ गए थे, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहन का हालचाल जानने की कोशिश की थी, उनको रोका गया और उनकी तबीयत में लगातार जो सुधार नहीं था, उनको एम्स के लिए आदेश होना चाहिए था, फिर सफदरजंग में किसके आदेश पर बहन को रखा गया और उसमें वहाँ भी लापरवाही हुई। जो तमाम तरह के यहाँ के टेस्ट की रिपोर्ट थी वो वहाँ नहीं भेजी गई और गुपचुप तरीके से रात को अंतिम संस्कार करना। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीड़ित परिवार के साथ उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे और उस समय पे उनको यहाँ से ले जाना और किसी को सूचना ना होना। सुबह से हमारे सब राष्ट्रीय कोर कमेटी के तमाम कार्यकर्ताओं ने हमारे DGP और SSP और सब लोगों को फोन करके पूछा है, लेकिन कोई अधिकारी जवाब देने की स्थिति में नहीं है। कोई अधिकारी सक्षम जवाब किसी के पास है नहीं कि आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कहाँ रखा है। हम आपसे कहना चाहते हैं, हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हम जो अंबेडकरवादी लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में आपने हमको नहीं सूचित किया, आपने जानकारी नहीं दी, तो पूरे देश का एक एक बहुजन समाज का आदमी सड़कों पे होगा और वो आपको उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की और शासन की होगी। मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा, जो हमारे साथी हैं, यदि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समर्पित और बहुजन मूवमेंट के प्रति समर्पित है, तो यहाँ शांतिपूर्वक थाने में जब तक बैठे रहेंगे, जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमारे बीच नहीं लाया जाता। बिल्कुल एक शुक्रिया प्रोग्राम है। इसके अलावा हमारा कोई नहीं है, या हमारे अधिकारी जो नहीं है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमारी बात कराएं और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। जय हिंद जय भारत। सफाई कर्मचारियों ने अलीगढ़ में, दिल्ली में और जहाँ जहाँ हमारे साथी काम करते हैं, उन्होंने अपने अपने स्थानों में धरना शुरू कर दिया है। ये रोज अत्याचार होते रहेंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि ऐसे दोषियों को बचाया जाएगा, उनकी वो की जाएगी, तो पूरे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। बेटी हमारी किसी भी समाज की हो, हम ये अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय हिंद जय भारत। अभी जो राजस्थान में वाल्मीकि समाज के लोगों ने जो नगर पालिका में कार्य कर रहे थे, अपना कार्य बंद कर दिया है। अभी पूरे देश में जितेंद्र अटवाल और अनिल देनवाल के नेतृत्व में हर प्रदेश में होगा, हर गली में होगा, नुक्कड़ में होगा, सफाई करने की स्वच्छता अभियान को असलियत में। कुछ लोग तो उसमें बयानों में रहते हैं, फोटो में रहते हैं, लेकिन हमारे बहुजन समाज के लोग ही इस अभियान को, देश को स्वच्छ रखने का काम करते हैं। यदि ये लोग ठान ले, ये लोग चिनाई करना बंद कर दें, ये लोग जूते बनाना बंद कर दें, ये लोग सेविंग बनाना बंद कर दें, ये लोग अपने कामों को बंद कर दें, तो ये जो धन्ना सेठों की सरकार है, ये जो गिने चुने चंद लोगों के लिए काम कर रही है, चंद लोगों के लिए पॉलिसी बना रही है, वो 5% लोग ये देश को चला के दिखा देंगे। ये बहुजन समाज की ताकत से देश चलता है।
भाटी जी ने बहुत सारी बातें उनसे की तो उन्होंने बोला था कि अगर एक घंटे के अंदर आपकी मांग को हम पूरा करने जा रहे हैं, जो साथी हमारे एब्सकॉन्ड किए गए थे उनको छोड़ा जा रहा है, और उन्होंने अपना वादा निभाया है। हम उनका सीओ साहब का, जो रविंद्र भाटी जी से बात हुई, उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपने वादे को, 12 घंटे हो चुके हैं उनका कुछ अता पता नहीं है, तो शासन प्रशासन SDM या DM साहब हमारी यहाँ पर उनसे बात कराएं, तभी हम यहाँ से अपना जो धरना है वो समाप्त करेंगे। तो यही हमारी मांग है।